रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिसिटी. इफ अ वायर इज टेकन, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, इफ रेडियस इज गिवन एज आर, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज पाई आर स्क्वायर. इफ इट इज स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड ए, एरिया इज सिंपली ए स्क्वायर. परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने में से करंट पास होगी, दैट विल बी द सिंपली क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर. इतने में से करंट पास होगी. ओके, हाउ विल यू डिफाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर? रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ करंट. धारा के बहने में जो रुकावट आती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, रुकावट. दिस रेजिस्टेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस इज प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इट इज एल. जितनी लंबी वायर होगी, जितनी लंबी तार होगी, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा. मोर इज द लेंथ, मोर इज द रेजिस्टेंस. लेस इज द लेंथ, लेस इज द रेजिस्टेंस. दिस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर. मोर इज द एरिया, लेस इज द रेजिस्टेंस. लेस इज द एरिया, मोर इज द रेजिस्टेंस. समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? चलो, यूथ क्लब की ओर से एक कैंप फायर ऑर्गेनाइज हुआ. कैंप फायर इज ऑर्गेनाइज्ड, एक ट्रिप गया, पिकनिक गया. उसमें ट्रैकिंग की जाती है, जंगलों में रास्ता बनाते हुए निकला जाता है. कभी कभी सुना होगा या आप में से कई लोग गए होंगे. गए? अब एक पहाड़ी रास्ता है, आपको उसमें से गुजरना है. देखा कहीं रास्ता नहीं है, एक टनल दिखाई पड़ी, सुरंग, एक टनल, उसी में से गुजरना है. अब रात के अंधेरे में उस टनल में कोई रोड तो बनी नहीं है, सुरंग में कोई अच्छी प्लेन रोड तो है नहीं, लाइटिंग तो है नहीं, पर गुजरना भी उसी में से है, रास्ता भी उसी में से है. तो उसमें से गुजरना क्या है? रुकावट, ऑब्स्टेकल है. टू पास थ्रू दैट टनल इट इज हेडेक. लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रुकावट है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? मोर इज द लेंथ ऑफ द टनल. उसमें से गुजरना जितना, जितनी लंबी टनल होगी उतनी ज्यादा रुकावट, उतनी ज्यादा मुसीबत. जितनी छोटी टनल है उतना आसान है थोड़ा. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. सेकंड इज आर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया. टनल का जो ओपनिंग है वो बहुत छोटा है, लेस इज द एरिया. आपको उसमें से लेट लेट के भी जाना पड़ सकता है, घसीट घसीट के भी जाना पड़ सकता है, बड़ी मुसीबत है. लेस इज द एरिया, मोर इज द रेजिस्टेंस. एंड इफ मोर इज द एरिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके उसमें से जाने वाला एरिया काफी बड़ा है, बड़ी है टनल, तो गुजरना थोड़ा आसान है, मुसीबत थोड़ी कम है, रेजिस्टेंस इज लेस. क्लियर? समझ में आ रहा है? हाँ, रेजिस्टेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द टनल. रेजिस्टेंस रुकावट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया. मोर इज द एरिया, वेरी इजी टू फ्लो द करंट. लेस इज द एरिया, डिफिकल्ट टू फ्लो द करंट. अब आप इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड कर लो, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. जब भी हम प्रोपोर्शनिटी का साइन हटाते हैं, वी ऑलवेज पुट अ कॉन्स्टेंट. हियर द कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड रो इंटू एल बाई ए. दिस प्रोपोर्शनिटी कॉन्स्टेंट, दोनों को इक्वलाइज करना है ना, हमको बराबर करना है हमेशा. जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, एक ऑफिस में पे ऑफ द क्लर्क इज प्रोपोर्शनल टू पे ऑफ द मैनेजर. जब जब मैनेजर की पे बढ़ती है, क्लर्क की पे भी बढ़ती है. मैनेजर की पे बढ़ेगी, क्लर्क की भी पे बढ़ेगी. ऑलराइट, प्रोपोर्शनलिटी है. इसको मैनेजर को एक टाइम पे, बहुत पहले की बात है, 10,000 रुपीज मिलते थे, क्लर्क को मिलते थे 5,000 रुपीज. मैनेजर को मिलने लग गए 20,000 रुपीज, क्लर्क की पे हो गई 10,000 रुपीज. ऑलराइट, इसको जब मिलेंगे 50,000 रुपीज, ऑब्वियस है क्लर्क की पे हो जाएगी 25,000 रुपीज. क्या रिलेशन है दोनों में? दोनों में रिलेशन है, पे ऑफ द क्लर्क इज प्रोपोर्शनल टू पे ऑफ द मैनेजर.
लेकिन अगर मैं किसी भी रीडिंग को ले लूं, 10,000 इज प्रोपोर्शनल टू 20,000. अब अगर मेरे को इक्वेट करना है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, आई शुड पुट अ कॉन्स्टेंट हियर. इस कैलकुलेशन में कॉन्स्टेंट कितना? हाफ. आपने प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट डाला हाफ. आप किसी भी टाइम कैलकुलेट कर लो, मैनेजर की पे है 50,000 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, क्लर्क को मिलेंगे 25,000. मैनेजर की पे होगी 1 लाख ऑफ रुपीज, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख ऑफ क्लर्क, कितने मिलेंगे? 50,000 ऑफ रुपीज. मैनेजर की पे जब थी 1,000 रुपीज, क्लर्क को मिलने होने कितने मिलने चाहिए? 500 रुपीज. सो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप इक्वेट में लाओगे, इक्वलाइज करोगे, ऑलवेज यू हैव टू पुट अ कॉन्स्टेंट दोनों तरफ इक्वलाइज करने के लिए. इसीलिए यहां पे भी जब मैंने आर इज प्रोपोर्शनल टू लिखा एल बाई ए, सो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए आई हैव टू पुट अ कॉन्स्टेंट. दिस इज कॉल्ड रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर. ये बुरी चीज नहीं है, क्योंकि रास्ता भी तो टनल में से ही मिल रहा है, सुरंग में से, अदरवाइज रास्ता था ही नहीं, क्योंकि कंडक्टर इज प्रोवाइडिंग द वे, कंडक्टर इज प्रोवाइडिंग द पाथ. तो जाना भी उसी में से है, लेकिन गुजरना मुसीबत तो है, तो उसका प्रोपोर्शन का कांस्टेंट है ये. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. इसकी यूनिट क्या? ओम. व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? इट इज मीटर स्क्वायर. सो एक मीटर की पावर सब्ट्रैक्ट हो गई ओम इनटू मीटर. दिस इज द यूनिट ऑफ रो. कई लोग ऐसे भी लिखते हैं ओम, मैंने देखा था कॉपी में लिखा हुआ था, इट इज लाइक दिस ओम. कुछ भक्त लोग होते हैं जो यूनिट ओम को ऐसे भी लिख देते हैं, ओम मल्टीप्लाइड बाय मीटर. रिमेंबर दिस इज नॉट हियर, इट इज जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 में दिया था ओम्स लॉ. 1826 में जॉर्ज साइमन ओम, उनके ऑनर में ये ओम है, ओ एच एम ओम. सो दिस इज द यूनिट. सो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर.